Hello. Thank you.
आज युवाओं के सामने बेरोजगारी का मुद्दा है। हर साल 6.5 लाख इंजीनियर निकलते हैं, उसमें से 6.5 इंजीनियरों को भी जॉब नहीं है। ये अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है और हिंदू मुस्लिम को हर वक्त ये लड़ाना चाहती है। क्या हुआ, ये जग जाहिर है। हमने संविधान को बचाने की पुरजोर लड़ाई करी और ये दिल्ली पुलिस हम लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने की कोशिश करती है। एक नहीं, सैकड़ों हजार आंसू गैस के गोले, हजारों लड़कों को जख्मी हुए, हजारों लड़के जख्मी हुए हैं जामिया के। क्या हम आज अपना संविधान नहीं बचा सकते? क्या इतना भी हक नहीं रह गया है? ये सिर्फ सरकार के इशारे में हो रहा है, जो सिर्फ मुसलमानों को डराना और धमकाना चाहती है। वो इन सब कैब के जरिए मुसलमानों को डरा के धमका के रखना चाहती है। अगर वो हमसे हमारी नेशनलिटी का प्रूफ मांगते हैं तो हमें भी अपने प्रधानमंत्री से उनकी शिक्षा का, उनकी डिग्री का प्रूफ मांगने का पूरा हक है। दिल्ली पुलिस की कितनी, दिल्ली पुलिस ने हम लोग कितने ज्यादा स्टूडेंट को मारा है, पीटा है और आंसू गैस है। हजारों तलबा जख्मी है, हजारों स्टूडेंट हॉस्पिटल में है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो कैप को और NRC को लाकर इस देश में हिटलर की सरकार लाना चाहती है, जो हम स्टूडेंट कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए आज हमने पीसफुल मार्च के कॉल दिया था, पीसफुल मार्च का कॉल दिया था, जिसके लिए अमित शाह के इशारों पर और नरेंद्र मोदी के इशारों पर हम स्टूडेंट पर लाठीचार्ज की गई है। इंसान